हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए पर्सनल थॉट रिलेटेड टीचर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीचर के लिए खास एक अपील है और एक मैंने तुकबंदी बनाई है, और अगर ये आपको तुकबंदी अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के सीधा इसको एकदम से देखते हैं किस प्रकार से तुकबंदी को बनाई गई है, और ख़ास करके ये टीचर के लिए अपील है, वो सारे संसार के टीचर के लिए अपील है। यहाँ पे लिखा हेडिंग के तौर पे एन हम्बल अपील टू द टीचर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए टीचर के लिए कि टीचर को कैसा होना चाहिए। तो देख लेते हैं। ओ टीचर, टीचर को संबोधित किया गया है। आगे क्या है? ए यू वॉक, इफ यू रन, योर स्टूडेंट विल वॉक। क्या देखें, ओ टीचर, हे अध्यापक, हे गुरु, इफ यू रन, यदि तुम भागते हो, योर स्टूडेंट्स विल वॉक, तो आपके जो विद्यार्थी हैं वो वॉक करेंगे। आगे देखते हैं, इफ यू वॉक, योर स्टूडेंट्स वेल स्टैंड। ओके, इफ यू वॉक, यदि तुम चले, योर स्टूडेंट विल स्टैंड। आगे देते हैं, इफ यू स्टैंड, योर स्टूडेंट, इफ यू स्टैंड, योर स्टूडेंट विल सिट। ये कंडीशन बनेगी, इफ यू स्टैंड, यदि आप खड़े हो जाते हैं तो योर स्टूडेंट विल सिट, तो आपके विद्यार्थी हैं वो बैठ जाएंगे। आगे देखते हैं, इफ यू सिट योर स्टूडेंट विल लाई। इफ यू सिट, यदि क्लास में जाके आप बैठ जाते हो, तो योर स्टूडेंट्स विल लाई, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो लाई मीन्स लेट जाएंगे। आगे देखते हैं, इफ यू लाई, यदि आप लेट गए, यदि तुम लेट गए, तो योर स्टूडेंट्स विल डाई। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चंद पंक्तियाँ लिखी गई हैं, लेकिन इनका संदेश बहुत बड़ा है, और ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, अपील कर रही हैं टीचर के लिए। और वो टीचर किसी विशेष क्षेत्र के नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण दुनिया के जो टीचर हैं उन सबके लिए एक प्रकार की ये जो 4 सेंटेंस लिखे गए हैं उनमें अपील की गई है। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।